नहीं चाहिए हमरा इंसान, साजा हमर डिप्टी है पोसे छः सात बजे ये लोग आठ ना से गए लोग आ दस मिनट में राजा के उड़ा आदर को हम दस मिनट पहले बात करना चलिए गौ राजा से गौ तो कर गमथाना मतिए बचवा गया 7:30 बजे फुलप्रास इनामूल 10 आदमी 15 आदमी घेर करके गोली मार दिया। वो 30 जमाया यहाँ 4 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक तुमको गोली मार देंगे, जिसमें गोली चलाया एक उसको फांसी दे दे। हमारा बाल बच्चा है कौन कमा के बुढ़ापा में खिलाएगा हमको, हमको कौन खिलाएगा बोलिए, खिलाने वाला है कोई? एक लड़का था। अभी हम लोग सिसवाबड़ी गांव में छतरा टोल आए हुए हैं। यहाँ पे कल रात में एक मर्डर हो जाता है, एक SDO साहब का जो है गाड़ी चालक थे, गाड़ी चलाते थे, उनका अब क्या विवाद था नहीं था वो तो हम उसकी पुष्टि अभी नहीं करते हैं, लेकिन वो फुलप्रास में उनको जो है गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बिहार का जो है ये क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, अभी टॉप 6 राज्य में जो है बिहार फिर से आ गया है क्राइम में, और ये आप देख सकते हैं कि ये बार बार ऐसी घटना होती रहती है। आप बिहार को ही छोड़िए, आप फुलप्रास को ले लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे घटना होगा, कभी मर्डर होगा, कभी किसी से चोरी हो जाएगा, कभी किसी को कहीं छीन लिया जाएगा, ऐसा घटना हमेशा होते रहता है। आप देख सकते हैं जो पेपर आप पढ़ते होंगे उसमें जाकर के देखिए, अभी दैनिक भास्कर में हम 2 दिन से देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से उसमें टॉप 10 जो है क्रिमिनल का नाम दिया जा रहा है, जो क्राइम किए हैं उसका नाम दिया जा रहा है, उन पे जो है पैसा प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है कि इन पे इतना उसको पैसा दिया जाएगा, 1,50,000 रुपया करके, जो आप हमको क्रिमिनल का नाम बताइए। आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन कितना फेल है, यहाँ पे बिहार की सरकार किस तरह से यहाँ को देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्राइम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस पे सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, हो रहा है। आप ये देख लीजिए कि यहाँ का लोग जो है गर्व करते हैं कि हम इस गांव से आते हैं, हम मेरे गांव में ऐसे ऐसे आदमी हैं जो मर्डर करता है, ये करता है। उन आदमियों को ये सोचना चाहिए, उनको शर्म होना चाहिए कि हम उन समाज से आते हैं जहाँ पे आतंकीबाजी क्रिमिनल ऐसे ऐसे आदमी रहता है। आप ये देखिए कि एक परिवार का जो है सदस्य को मार दिया जाता है, उसे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये चीज देखिए, देखिए आप किस तरह से यहाँ का जो आदमी है उनको किस तरह से जो है अंदर में जो है एक दर्द छुपा हुआ है। आप ये चीज़ सोचिए कि किस तरह से आदमी का ये दर्द का सामना करना पड़ता है, और उस दर्द से हर आदमी को गुजरना पड़ता है जिसके घर में ऐसे ऐसे क्राइम हुआ है। आप ये चीज़ देखिए, और ये क्राइम रोज़ बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन पैसा दे कर खा करके ख़त्म कर देता है उसको। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस पर देख सकते हैं, अभी जिसके हम घर पर पहुँचे हैं उस आदमी का जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम शकील अहमद है, उनके पिता का नाम क्या है, उसका पिता क्या नाम है, सनुल्ला जी का बेटा है, उनको जो है मर्डर कर दिया जाता है। क्या पूरा मामला क्या है वो हम जानना चाहते हैं इन सब से। बाजार से बड़ा बाबू या कोई पुलिस अधिकारी सूचना दे ले ले तो हमरा सब के चाचा सब बैठल ले, हम सुतल लिए तो बतल के हमरा पहले से हम नहीं कतो ठंडा उंडा में घूमे फिरे छे, तो वह अल कि जो शकील कहाँ है, शकील कहाँ है, तो चचा लोग बताए शकील तो अनुमंडल में होंगे या थाना होना पे गए होंगे, लेकिन उधर ही गए हैं। तो 2-3 मरतबा पूछने के बाद में वो अधिकारी बताए कि जो शकील को गोली मार दिया, गोली तब जाए। हाँ कौन मारा है ये हमको चचा लोग बताएंगे। रात को 9 बजे गोली मार देता है, नहीं बजे बजे 24 घंटे इस घटना का हो गया, कभी अपराधी अधिकारी और पुलिस क्या कर रहा है अभी तो।
जमीन चलो हमर जोत के खाए चलियो हम आ हाल पर ही जोत लेल गो आ तभी सब दिन मार करे चलो छह छह कट्ठा छे गो छह कट्ठा छे हां गो जान ल लेल गो मन राजा के गो अहां सब पता कहि से केना पता तुरंत 10 मिनट में गो घर से गेलो राजा 10 मिनट में मार के लियो हम राजा कौन कहा कि आपका पति आज सुना में गोली मार दिए आपके पति को गोली मार दिया ओ एसडीओ साहब का जो बॉडीगार्ड छ से एलो गेल सकिल जी मर्डर भ गेले ओ त फुल परास म 10 मिनट पहले हम बात करले छलियो राजा से गो 10 मिनट पहले राजा से बात करले छलियो ऐसा पहले की भेले से पहले ऐसा पहले कुछ लग जमीन के लड़ाई चलो कखनो मार खाइन दे चलो हमर राजा हर दम चलो एसडीओ भी लग म कखनो ने मार म हमर राजा आबे चलो कखनो ने ए हो चले घर पर सब एक से बात करले कथि ले जाकर सही लभी तो से बड़का कहे छे आ राजा हमर डिप्टी है पोसे 6 7 बजे ये लो आठ ना से गेलो आ 10 मिनट में राजा के उरा आदर को हम 10 मिनट पहले बात करना चलिए गो राजा से गो तो कल हम थाना पहुंचिए गो कल के हम थाना पहुंचिए गो कखनी हम पता चल लीबा 10 मिनट में 7:30 है मतलब शाम रात में हां गो रात में तुरंत निकला ले छोरो घर आधा घंटा रे भालो घर से गेला से पहले कुछ भेल रे ऐसा पहले दिन में मार भाल चलो तो मन राजा नहीं चलो सरे लग में चलो ऐसे मजा लग ले तो हम नहीं चले नहीं वो नहीं चले नु मंडले में चले मन राजा गो हमरा ससुर और राजा के भेले आ शाम में ई सब बोल जा के गोली मार के राजा के हमरा थाना मर्डर भगले के हॉस्पिटल नहीं गो वन घुंघटिया का रोड में जा के मार लग गो थाना पे गेल चलो हमर राजा बड़ा बाबू बोले ना चलो बड़ा बाबू ले से मिल के हमर राजा घर आबे चलो आ एक बार बैठ लो गाड़ी पकड़ के चलो घुंघटिया रोड घुंघटिया दिशा जेबे ओकरा अपने आदमी रहे मेडिकल की हमर राजा का संग में 20,000 रुपया चले गो मोबाइल चले 30,000 वाला गो सब चीज छीन लेल के गो सब चीज छीन लेल के नहीं गो आ गोली मार देल को हमर राजा का गो की मांग यहां की हमरा मांग जा हमर बाल बच्चा का हमरा इंसाफ चाहिए हमर जे नौकरी चले घर वाला को हमरा चाहिए वो हमरा चाहिए हमरा मौत के बदला मौत चाहिए केना जिंदगी हमर बाल बच्चा का करतो गो से हमरा चाहिए गो आप देख सकते हैं अभी उनसे बात करने का कैसे हम उनको बोल सकते हैं कि आप पूरे ये बताइए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि उसके घर में एक मातम फैला हुआ है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से सुख फैला हुआ है। एक परिवार का जो मेन सदस्य होता है वो बिछड़ गए हैं। उनका बच्चा छोटा छोटा बच्चा है उनको भी हम दिखाए कि किस तरह से छोटा छोटा उसका बच्चा सब है और उनको किस तरह से आप पालन पोषण किया जाएगा आप ये सोच सकते हैं। उनके पिताजी अभी हैं उनसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या था पूरा। मामला कुछ नहीं था। हमारा बचवा गया 7:30 बजे फुलप्रास इनामूल 10 आदमी 15 आदमी घेर करके गोली मार दिया। मामला यही है। इससे पहले भी कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था पहले। इससे पहले कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ था। भर दिन हमारा बेटा डिप्टी करके आ रहा था जा रहा था खाना खाया डिप्टी करके आया फिर गया फिर आया बस हो गया। कल दिन में पता चला जैसे कि शाम में लड़ाई झगड़ा भी आप लोगों का आपसी में हुआ? नहीं नहीं आपसी का लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था। तो आप डायरेक्ट उसका नाम ले रहे हैं इनामुल ऐसा आपको कैसे लगा कि भाई उसी के द्वारा ये काम किया गया? वो 30 जमाया यहाँ 4 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक तुमको गोली मार देंगे जिसमें गोली चलाया एक 8:30 बजे दिन में। अब क्या मांग होगी आपको प्रशासन से? प्रशासन दे उसको फांसी दे दे उसको फांसी दे दे हमारा बाल बच्चा है कौन कमा के बुढ़ापा में खिलाएगा हमको हमको कौन खिलाएगा बोलिए खिलाने वाला है कोई? एक लड़का था है एक लड़की है दो लड़का है जिसमें एक जो है 7 साल का है एक जो 1.5 साल का है।
कौन खिलाएगा हमको? बातें हुई पूछ अधिकारी जो यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ या डीएसपी उन लोगों से क्या बातें हुई? डीएसपी साहब तो कहा कि कड़ी से कड़ी शासन हम देंगे उसको, आप लोग धर भराइए। जिसमें एक तो शिव शंकरा पासवान भी धरा गया है, शिव शंकर पासवान को अभी अति पर ले रहा है, पकड़ा गया है। हाँ, शिव शंकर पासवान पकड़ाया है।